रायबरेली जिले के महाराजगंज क्षेत्र के गोंदरिहा गांव के सामने शारदा नहर की पटरी पर सोमवार की सुबह दिनदहाड़े बदमाशों ने एक महिला की चोगली छीना और फरार हो गए। बुजुर्ग महिला के शोर मचाने पर आगे ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि घटना महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव गोंदरिहा की है। छीटू लाल की पत्नी रजाना नहर की पटरी के रास्ते कहीं जा रही थी। इस दौरान पीछे से साइकिल पर आए युवक ने महिला को रोककर बातचीत की और धोखे से गले में एक हाथ लगाकर रजाना की नाक से सोने की चोंगली छीनकर भाग निकला। इसके बाद बुजुर्ग महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दौड़ाकर बदमाश को पूरे अभिमान सिंह स्थित आशुतोष धाम मंदिर के पास दबोच लिया और उसे जमकर पीटा। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बदमाश को हवाले कर दिए। कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौजूद लोगों से गहनता से पूछताछ की गई। आरोपी को थाने ले आया गया है। संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। आरोपी ने अपना नाम दीपक निवासी ग्राम सलेमपुर थाना हरचंदपुर जनपद रायबरेली बताया है। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। कहाँ के रहने वाले हो? सलेमपुर। अभी क्या किया आपने? छीन लिया। किससे? बूढ़ी दादी से। और पहले भी चोरी किया है? क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या भा तुम्हें पसंद? हमारे साथ गांव के किनारे। कितने लोग रहे? कोई नहीं रहा। नहीं, जो छीनी सो कितने लोग रहे? कोई नहीं रहा, अकेले रहा। अकेले? हाँ, पैदल गवाइर मारो ना, सारे नहीं मर जाए तो सब जने चले।